इससे पहले थोड़ा सा मैं अलग सा समझाऊंगा, एक्सप्लोर करूंगा दोनों को अलग अलग, फिर दोनों को ज्वाइन करूंगा। होता क्या है, पहले इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे डेटा एंट्री की जगह अगर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स देखना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की जो लिस्ट पड़ी है ना, वो यहाँ पे मुझे मिल रही है, राइट। मैं यहाँ पे अकाउंटिंग का लिस्ट देखना चाहता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे डेटा एंट्री का लिस्ट देखना चाहता हूँ, तो ये एक इंटरेस्टिंग यूज हो रहा है ना भाई, यहाँ पे डेटा एंट्री सिलेक्ट करो, यहाँ पे डेटा एंट्री का लिस्ट आ जाता है। तो अब इसे थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, होता कैसे क्या है। यहाँ पे मैंने डेटा एंट्री लिखा है, यहाँ पे समझाने के लिए आपको, आप यहाँ पे कुछ भी कोर्स का नाम लिख सकते हैं। पहले मैं मैच यूज करके आपको दिखाता हूँ, पहले मैच यूज करके रिजल्ट देख लेते हैं। मैच मैंने लिखा है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइप, ये तीन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे रहते हैं। तो मैंने दिया ये लुकअप वैल्यू मेरी, मुझे इसे ढूंढना है, राइट। मैं इसे ढूंढूंगा, लुकअप वैल्यू मतलब मुझे किसे ढूंढना है, देखिए लुकअप वैल्यू मैं इसे ढूंढना चाहता हूँ, कोमा कहाँ पे ढूंढना चाहता हूँ, इसमें इस एरे में, ध्यान दीजिए ये इस एरे में अवेलेबल है, डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन और अकाउंटिंग, ये कोर्सेज के नाम है, इस एरे में अवेलेबल है। वो वर्टिकल एरे हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल एरे हो सकता है, कोई भी एरे है, तो ये एक पर्टिकुलर रो में वो अवेलेबल है। चलो ठीक है, लुकअप एरे मैंने दिया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो लिखूंगा यहाँ पे। एग्जैक्ट मैच क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन मैच, ये मैं आपको वीलुकअप फॉर्मूला में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल यहाँ पे बस मैच देना है, एग्जैक्टली जीरो लिख देना है और एंटर करना है। आपको यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये डेटा एंट्री जो है ना, इसका नंबर वन पोजीशन है। मैं अगर यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग टाइप करूँ तो बताएगा कि भाई इस रो में वो दो नंबर कॉलम पे है। अभी मैं ये काम करता हूँ, अकाउंटिंग लेता हूँ, तो ये बता रहा है तीन नंबर, तो मैच उसकी पोजिशन बताता है। इवन अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस वाले रो को ले ले, कौन सा भी रो को ले ले, इसको ले ले, सॉरी कॉलम को लेते, ये चारों रो को। तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टाइप कर चुका जो कि इसमें लिखा हुआ है, तो मैं ये लेता हूँ यहाँ पे मैच टाइप करो, देखिए मैच, मैच मैंने लिया। मैच लेने के बाद मैं लुकअप वैल्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ले रहा हूँ, कोमा लुकअप एरे। अब मेरा एक्सेस इस साइड में ना, ये पर्टिकुलर कॉलम ही लूंगा मैं इस तरह से, ए कॉलम के अंदर A2 to A5 मैंने लिया, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए मैं जीरो लिखूंगा। देखिए आप एक कॉलम भी ले सकते हैं, एक रो भी ले सकते हैं, तो मैंने एक कॉलम के अंदर के कुछ सेल्स ले ली है, एंटर। वो बता रहे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चार नंबर पे। चलो अच्छा, गूगल शीट बताओ कितने नंबर पे, एक दो तीन चार, तीन नंबर पे, एक दो तीन, डेटा एंट्री के भी हेडिंग भी पकड़ेगा वो, राइट। और कौन से नंबर पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो नंबर पे, यहाँ पे हेडिंग पकड़ के उसने, हमने हेडिंग से लिया ना इसलिए। तो ये मैच बताता है उसका रो नंबर या कॉलम नंबर, ये रो नंबर दो पे है अभी, और ये बता रहा है कि भाई ये कॉलम नंबर तीन पे है बेसिकली। ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई कॉलम नंबर कैसे बताएगा, ऐसा रेंज है तो कॉलम नंबर बताएगा। तो यहाँ पे मैच ये काम कर लेता है, राइट। तो आपके पास कोई भी टेबल है ना, तो आप वो पर्टिकुलर, सपोज एग्जांपल ले लो ना, यही टेबल मैं आपको थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। ये टेबल मैंने नीचे रखा और यहाँ पे मैंने रखा टाइम, बैच टाइम, सपोज जो भी है बैच टाइम रखा, या फैकल्टी नेम रख दिया, फैकल्टी बैच टाइम से फैकल्टी नेम रख देता हूँ। ये अजय सर का लेक्चर है और ये विनोद का है और ये आकाश का है, बराबर। और यहाँ पे मैंने रखा टाइम, यहाँ पे रख देते हैं हम लोग 10 बजे का लेक्चर है, ये 11 बजे का और ये 12 बजे का। तो भैया आकाश जो है वो 12 बजे कौन सा, एक नया टेबल मैंने क्रिएट किया है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग सा टेबल बना दिया। आप जानना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे आपने लिख दिया है आकाश, वो 12 बजे कौन सा लेक्चर पढ़ाते हैं, तो ऊपर अपने टाइम लिख दिया 12। तो यहाँ पे आपको चाहिए वो रिजल्ट, 12 बजे आकाश क्या पढ़ाता है, इसका रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो आपने आकाश का नाम लिखा है यहाँ पे प्रॉपरली, यहाँ पे टाइम भी लिखा है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, आपको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि पहले देखना है इसमें 12 नंबर कितने नंबर पोजीशन पे है, 1 2 3 4 नंबर पोजीशन। चलो ठीक है, मैं इंडेक्स बाहर, अभी इंडेक्स देख लेते पहले, फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। इंडेक्स मैंने ये पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली, इंडेक्स में क्या करना है, देखिए इंडेक्स फॉर्मूला लिखते ही, मैं दोबारा टाइप करता हूँ, इंडेक्स लिखते ही आपके पास एरे कोमा रो नंबर और कॉलम नंबर, ऊपर का आर्ग्यूमेंट आपको लेना है, एरे कोमा रो नंबर कॉलम नंबर। तो रो नंबर के पहले एरे है, ये पूरा टेबल ले लो आप, इस टेबल में क्या चाहिए आपको, कौन से रो पे ढूंढना है और कौन से कॉलम पे ढूंढना है। तो रो नंबर मुझे ढूंढना है एक नंबर रो, दिखाई दे रहा है एक नंबर रो, या फिर दो नंबर रो, तीन नंबर रो, चार नंबर रो, एक नंबर रो तो फैकल्टी है, मुझे अजय ढूंढना है, विनोद ढूंढना है, आकाश ढूंढना है, क्या ढूंढना है मुझे, ऑफकोर्स आकाश, तो आकाश चार नंबर रो पे है। रो नंबर एक रहेगा तो फैकल्टी आएगा, दो रहेगा तो ये, तीन रहेगा तो ये, चार रहेगा तो चार नंबर रो पे ढूंढना है। चार नंबर रो पे आकाश का 12 बजे का लेक्चर ढूंढना है, तो 1 2 3 4 चार नंबर कॉलम, चार नंबर रो, क्योंकि कॉलम नंबर भी चार है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे वो बताएगा कि भाई आकाश का 12 बजे का गूगल शीट से, अभी देखिए मैं नंबर दे रहा हूँ दोबारा चेंज करके, मैं बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे रो नंबर है अजय का, दे दो अजय का, तो अजय का रो नंबर है
दो, अजय का रोल नंबर कितना है देखिए 1 2, चलो ठीक है। फिर मुझे चाहिए कि अजय कितना 11 बजे कौन सा लेक्चर लेता है, तो मैं 3 दूंगा। क्यों, कॉलम नंबर देना है ना, यहाँ पे कॉलम नंबर देखो 1 2 3, ये तो समझता है ना कि भाई इसे कॉलम बोलते हैं और इसे रो बोलते हैं, इतना तो पता है ना, इतना तो पता होगा ना भाई, आप मेरे स्टूडेंट हो। अब मुझे करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये किया, रो नंबर और कॉलम नंबर प्रॉपर असाइन कर दिया है 2 और 3, और जैसे मैं एंटर करूँगा, Adobe फोटोशॉप पढ़ा रहे क्या अजय? यस। तो बेसिकली करता क्या है, इंडेक्स वो रो नंबर और कॉलम नंबर देखिए इस एरे में से डेटा पैच करके देगा। लेकिन क्या होगा, मुझे यहाँ पे जाके रो नंबर और कॉलम नंबर बदलना नहीं है, मैं यहाँ पे वैल्यू बदलूंगा, मैं यहाँ पे वैल्यू यदि बदलूंगा और तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बदलना चाहिए। तो यही तो काम करना है हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मैच हम लिखेंगे उससे क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये आकाश का पोजिशन फाइंड आउट करना है इसमें, तो यहाँ पे हमें आकाश का पोजीशन मिलेगा कितना है, 4 नंबर की पोजीशन, आकाश की पोजीशन, राइट। आकाश की जगह अगर आपकी विनोद लिखोगे तो विनोद की पोजीशन आएगी आपको, यहाँ पे विनोद की 3 नंबर पोजीशन है। तो यही तो करना है, यहाँ पे ये जो मैच है वही हमें इंडेक्स के अंदर अभी यूज़ करना है। कॉम्बिनेशन देखिए, मैं इंडेक्स यूज़ कर रहा हूँ, अभी एरे में वही रहेगा इंडेक्स में, लेकिन अब यहाँ पे हम नेस्टिंग करेंगे। इंडेक्स के अंदर हम लगाएंगे मैच का फॉर्मूला, थोड़ा सा ज़्यादा ही जूम हो गया, हम लगाएंगे कोमा, यहाँ पे लगाएंगे रो की जगह मैच, रो में हम यहाँ पे रो नंबर नहीं देंगे, मैच देंगे, मैच फार्मूला। देखिए मैच फार्मूला मैंने टाइप किया, गलती से कुछ और प्रेस हो गया, या फिर ओपन ब्रैकेट कर देता हूँ, और लुकअप वैल्यू, ये देखिए रो की जगह मैं मैच फार्मूला लिख रहा हूँ, याद रखिए लुकअप वैल्यू मेरा विनोद, विनोद मुझे रो नंबर ढूंढना है यहाँ पे, कोमा विनोद का रो कहाँ पे मिलेगा आपको, इस वाले रेंज में, ये रेंज है विनोद का रेंज, और उसके बाद मैंने लिया कोमा और 0, ये जो है मैच, पहला मैच हो गया हमारा रो का। देखिए रो की पोजीशन पे हमने मैच लिखा है, याद रखिए, और इसको F9 करके आप देखो, इस मैच को सिलेक्ट करो, F9 करो, F9 मतलब कैलकुलेट फार्मूला विद इन फार्मूला, फार्मूला के अंदर फार्मूला लिख रहे हो तो वो कैलकुलेट करके बताएगा 3, और कंट्रोल जेड करो आप, जब आप इसे F9 करते हो ना, बहुत सारे लोग वो 3 रख देते फिर से फार्मूला टाइप करते हैं, तो F9 करते ये रिजल्ट आता है कंट्रोल जेड, याद रखो दोबारा फार्मूला लाने के लिए, फॉर्मूला के अंदर का फॉर्मूला रिजल्ट हमें देखना चाहते हैं। अब ये तो हो गया रो नंबर, ये देखिए रो हो गया खत्म, कोमा, अब क्या करोगे, अब फिर से मैच खेलेंगे दोबारा क्यों नहीं खेलेंगे, ओके। सो मैच यहाँ पे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, मैच टाइम, फिर से ये लुकअप वैल्यू ये है 12, कोमा 12 का पे ढूंढना है इस वाले एरे में, ये इतना ही सिलेक्ट करोगे, इतना ही, पहले हमने इसको ऐसा सिलेक्ट किया, इसको ऐसा भी, राइट। अब इस वाले एरे में या रो में हम ढूंढेंगे कि उसका कॉलम नंबर क्या, एग्जैक्ट मैच 0 देंगे, ये देखिए ये मैच और वो मैच दोनों मैच, या फिर ये वाला रो में जा रहा है A13 to D13 और ये कॉलम में जा रहा है ऐसे वर्टिकल, और आप एंटर कर लो, ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिक कर लेगा, और यहाँ पे देखो एक्सेल है क्या, विनोद 12 बजे एक्सेल पढ़ाता है आपको, विनोद 12 बजे एक्सेल पढ़ाता है, क्या बात है, सही है, बिल्कुल सही जवाब। अजय क्या पढ़ाता है भाई 12 बजे, टैली पढ़ाता है। आकाश क्या पढ़ाता है भाई 12 बजे, ओके अच्छा, आकाश 10 बजे क्या पढ़ाता है माइक्रोसॉफ्ट, 11 बजे क्या पढ़ाता है, अच्छा 12 बजे क्या पढ़ाता है, ओ हो, यही तो करना है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या करना है फिर से यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी वैसे ही करना है हमें, ये जो टेबल में से हमने पुल किया, अब मुझे बस डेटा एंट्री सिलेक्ट करती है, ये ड्रॉप डाउन बनाया गया है, ये डेटा वैलिडेशन पार्ट में आपको आगे है, फिलहाल आपको चाहिए तो नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे तो रिजल्ट वैसे भी फॉर्मूला का आ रहा था, उसे अंडू कर देता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट रहने दो, यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मुझे बनाना है, तो सिंपल है, डेटा टैब में जाओ और डेटा वैलिडेशन, अब तक आपने इस्तेमाल नहीं किया तो देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ, डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू की जगह यहाँ पे ले लो लिस्ट, इस डायलॉग बॉक्स में एनी वैल्यू की जगह लिस्ट लेना है, लिस्ट, यहाँ पे सोर्स में कर्सर रखो, इसको थोड़ा साइड में ले लो, और ये तीनों को सिलेक्ट करो, ये डेटा एंट्री, ग्राफिक डिजाइन, अकाउंटिंग, ओके, डेंटेड एंड आई मीन टू से यहाँ पे लिस्ट आ चुके, डेटा एंट्री इज इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स में पूरा ले लो, पूरा, ओके, पूरा अगर आप लेते हो, यहाँ पे पूरा ले लिया, दिखाई दे रहा है, पूरा लिया, A2 to A5, पूरा इंडेक्स, कॉमा, रो नंबर, अभी यहाँ पे खाली रो नंबर ही हम देंगे, राइट, यहाँ पे हम देंगे मैच, बेसिकली यहाँ पे ध्यान दे दो, हमें रो नंबर नहीं, कॉलम नंबर देना है बेसिकली, डेटा एंट्री ये दिखाई दे रहा ना, रो नंबर नहीं देना है, तो यहाँ पे रो नंबर अगर देंगे तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल शीट आ जाएगा, तो यहाँ पे एक और कोमा दे दो और कॉलम नंबर, क्यों, क्योंकि रो नंबर देना ही नहीं है, रो नंबर अगर हम देंगे तो भाई एक ही वैल्यू आएगी, मुझे पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोमा दूंगा, रो नंबर स्किप करूंगा, देखिए रो नंबर नहीं देना है मुझे, मैं कोमा करूंगा और कॉलम नंबर दे दूंगा, अब मैं यहाँ पे मैच लिखूंगा, मैच, ओ कहाँ जा रहा है भैया, मैच, ओके मैच मैं लिखूंगा लुकअप वैल्यू, ये है हमारी लुकअप वैल्यू,
कोमा, लुकअप वैल्यू के बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ये रही हमारी रेंज, राइट। हमें कॉलम नंबर देना है, कोमा, और यहाँ पे जीरो रखेंगे, हम क्या रखेंगे, जीरो, एग्जैक्ट मैच, एंटर, एंटर, एंटर। एंड हमने एक गलती कर ली है, डेटा एंट्री डबल डबल आ रहा है, इसका रीज़न क्यों, क्योंकि हमने डेटा ए टू से सिलेक्ट किया है। अब हम एक काम करते, ए टू से नहीं सिलेक्ट करते, वो डेटा एंट्री डबल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, डेटा इतना ही सिलेक्ट करेंगे, इतना ही डेटा सिलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। अब देखो प्रॉपर आ चुका है, गलती नहीं बोल सकते हम उसे, वो ठीक है, डेटा एंट्री टाइटल भी लेके आ रहा था, क्या बात है। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस कॉलम नंबर दिया, रो को स्किप कर दिया, कॉलम नंबर दिया, इतना ही किया मैच की मदद से। मैच यहाँ पे क्या बता रहा है, ये F9 को ये बताएगा कि भाई डेटा एंट्री का कॉलम नंबर 1 है, अगर आप डेटा एंट्री लेते हो तो। और यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कॉलम नंबर वो बताएगा, और उसके हिसाब से, और ये जो है ना नीचे आपको दिखाई देता है, ये पुराने वर्जन में नहीं आएगा, पहले मैं बताता हूँ, 2021 वर्जन में आपको ये एरे ऑटोमेटिक नीचे वाले सेल्स में आ जाता है, पहली चीज़ याद रखनी है, 2021 वर्जन में ही आएगा, याद रखो। और पुराने वर्जन में आपको ये वाला चीज़ नहीं आएगा, एरे नीचे नहीं आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए आपको जैसे ही आप ये फॉर्मूला करोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा, तो आपको फॉर्मूला पे डबल क्लिक करना है, फिर से सबको सिलेक्ट करना है, और आपको यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंटर बटन प्रेस करना है, एरे में तैयार करना है इसको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक ही रिजल्ट आएगा फिर भी, तो आपको यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके कॉर्नर से ड्रैग कीजिए, फिलहाल इस केस में जरूरी नहीं, वो मेरे वर्जन में, पुराने वर्जन में याद रखो, एक फॉर्मूला आप निकालोगे, उसका आंसर नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, एरर आया, कुछ भी आने, तो फिलहाल इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करो, एक आंसर आ जाएगा, उस आंसर से यहाँ पे कॉर्नर से ड्रैग करो, जितने सेल से उसका उतना आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये नए वर्जन में इस तरह से मिलता है, पुराने वर्जन में वो जो चीज़ करनी है वो मैंने आपको बता दी है, और दूसरी तो बात आपको सब कुछ पता चला है कि करना क्या है। एक और चीज़ ऐसी कि भाई इस फॉर्मूला में, सपोज़ मैं यहाँ से फॉर्मूला हटा देता हूँ, और मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया है, यहाँ पे कुछ लिख दिया, और फिर बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ऊपर, तो ये इधर भी रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इधर भाई इधर जगह ही नहीं उसको डेटा आने के लिए, स्पिल हो रहा है डेटा, ये देखिए बोल रहा है कि यार तीन सेल में यहाँ पे कुछ रखा है आपने, उसे हटा दो पहले। तो बहुत सारी बार तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारा यहाँ पे कुछ डेटा ही नहीं है, यहाँ पे जैसे क्या होता है उनसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ इसको, यहाँ पे डेटा नहीं होता है अभी, यहाँ पे देखिए बोलते हैं हमारे यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है सर, ब्लैंक ब्लैंक है, फिर भी स्पिल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, क्या है, स्पेस है, एक छोटा सा एरर है जो कि ऑलरेडी मैंने नोटिस किया है एक फॉर्मूला में, तो वो स्टूडेंट ढूंढते रहते हैं एरर क्या है, यहाँ पे स्पेस है, डिलीट करो कीबोर्ड पे क्लिक करके उस पर, और स्पेस डिलीट हो गया, हट गया ना भैया। तो ये छोटी मोटी चीज़ है जो मैंने थोड़ी सी बारीकी से भी बताया आपको, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस फॉर्मूला के लिए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे गाइस।